मैं राहुल गुप्ता और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राउंड ट्रिप विद राहुल के पे। और आज मैं आया हूँ दशा समय घाट के पास आपको देव दिवाली दिखाने के लिए। अगर आपने अभी हमारा सुबह वाला मॉर्निंग वाला इंटरव्यू वीडियो नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई कार्ड पे जाके देख लो। और इस वक्त शाम का टाइम हो रहा है और काफ़ी भीड़ अभी से ही आने लगी है, आप देख सकते हो मेरे पीछे। तो आपको चलते हैं, आज दिखाते हैं वाराणसी का देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा। तो आप हमारे साथ बने रहना और मेरे से जितना हो पाएगा आज मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। आप देख ही सकते हो अभी से ही भीड़ सीढ़ियों पे इकट्ठा होने लगी है। और ये रहा पीछे का नज़ारा। मेरे पीछे देख रहे हो यही पूरा स्टेज है और यहीं पे आज की आरती होने वाली है और जितने भी सारे चीफ गेस्ट हैं वो आने वाले हैं। तो मेरे से जितना होगा वो सारी वीडियोस और जितनी सारी कवरेज करूँगा मैं आपको दिखाऊँगा। और देख ही सकते हो पूरा भीड़ मेरे पीछे, आप देख पाओगे भीड़ ही भीड़ है। तो स्टेज के पास हूँ और आपको दिखाता हूँ, आगे वीडियो देखते रहो। और अभी तक अभी हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक तो बनता है इस वीडियो। दोस्तों देख रहे हो ये है पूरा भीड़ और अभी कुछ ही देर बाद आरती शुरू होने वाली है। तो हम आपको दिखाते हैं आरती का नज़ारा। और मेरे पीछे ये देख रहे हो पूरा दशा समय घाट है, तो ये भीड़ देख ही रहे हो। तो कुछ ही समय बाद आरती स्टार्ट होने वाली है तो उसको भी आपको दिखा देते हैं। तो आप ऐसे ही बने रहो और एक लाइक कर देना ज़रूर से।
आ चुके हैं जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है और इंडिया गेट बनाया गया है, मेरे पीछे देख ही सकते हो। शहीदों को नमन किया जाता है और जो भी शहीद हुए हैं हमारे देश के हित में, राष्ट्र के हित में, जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनके परिवारजनों को हम लोग भागीरथ शौर्य सम्मान से अलंकृत भी करते हैं। उसके बाद माँ गंगा का वैदिक रीति से पूजन होता है और माँ गंगा की महाआरती होती है। सब कुछ इस बार अपने तय समय से हुआ, सारी चीज़ें हुई, लेकिन एक महाआरती नहीं दिखी, क्या कारण है? देखिए, जो हम लोग का पीपे का स्टेज बनता है, पीपे का मंच बनता है, जिसमें कि जो भी शहीद के परिवारजन हैं, जो सेना से जो सभी अधिकारी लोग आते हैं, एयरफोर्स, आर्मी, CRPF, NDRF के, और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं उन लोगों के लिए गंगा में पीपे का मंच बनता है, जिससे कि इस कार्यक्रम की भव्यता और बढ़ जाती है। और ये मंच पिछले 20 वर्षों से बनता चला आ रहा है और इसी तरीके से कार्यक्रम होता है, लेकिन इस वर्ष जिला प्रशासन के अंतिम क्षण में उस पीपे को परमिशन को निरस्त कर दिया और पीपा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके वजह से घाट पे पर्याप्त जगह न होने के कारण महाआरती जो थी इस बार की वो महाआरती नहीं हुई। और 7 आरती ही दैनिक क्रम में, जो माँ गंगा की नित्य 7 आरती होती है, उसी क्रम में माँ गंगा की आरती संपन्न हुई। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं और यहां जो भी दशा समय घाट से मैं निकल चुका हूं, अभी हूं बोट पे, तो फिलहाल मैं आपको सारे जो भी घाट हैं यहां पे वो आपको दिखाता हूं, कैसा व्यू हुआ आज के दिन। और आज देव दीपावली है तो और भी खूबसूरत लगता है, तो आपको दिखाता हूं आगे का। तो लाइक कर देना और हमारे साथ बने रहना। अभी आप तक ने जो व्यू देखा ये है पूरा दशा समय घाट से हरिश्चंद घाट तक, 80 घाट नहीं गया। और मैं अभी फ़िलहाल बोट पे ही हूँ, तो आपको दिखाता हूँ और सारा नज़ारा। और बहुत ही, क्या बताऊँ, आप अगर होते यहाँ तो उसका फीलिंग्स अलग ही आएगा, बट अभी मैं जितना वीडियो के थ्रू हो सके मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देखो और इन्जॉय करो।
हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन दशा समय घाट पे फिर से, और उतरते हैं बोट से, फिर आपको दिखाता हूँ और भी नज़ारे जिससे आप देख के बहुत ही मज़ा आने वाला है। दोस्तों मैं निकल के आ गया वहाँ से, क्योंकि वहाँ बहुत ही भीड़ था, तो मैंने सोचा लास्ट में आपको बता दूं कि बहुत ही मज़ा आया। और कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, और लाइक तो कर देना, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसी के साथ हमारा ये वीडियो सभी दोस्तों में शेयर कर देना ताकि मैं सबको ये वीडियो दिखा सकूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, किसी नए एपिसोड और किसी नए लोकेशन पर। तो तब तक टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।